हाय, मैं डॉक्टर श्रीकांत लागवणकर बोल रहा हूँ। मैं अपोलो हॉस्पिटल में एज अ प्लास्टिक सर्जन काम कर रहा हूँ। 15 जुलाई विश्व प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है। इस साल इस दिन पे हम अपोलो हॉस्पिटल के तरफ से प्लास्टिक सर्जरी की जागरूकता आप लोगों में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर कमलेश वाधवानी, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, पिछले 10 साल से अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो आज हम बात कर रहे हैं, उसमें आम जनता में जो काफ़ी गलत फहमियाँ होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे आज हम, यानी कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी विभाग या विषय के अंतर्गत कितनी इकाइयाँ होती हैं और कौन कौन से ऑपरेशन इसमें पॉसिबल हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनिकेत दवे, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन विथ अ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो सबसे बड़ी गलत फहमी या गलत मान्यता आम जनता में होती है वो है कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुंदरता बढ़ाने की सर्जरी, यानी कि सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। पर ये बात बिल्कुल सच नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी का एक छोटा भाग है। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी में कई और बीमारियों का इलाज किया जाता है, जैसे कि जले हुए यानी बर्न्स का इलाज, जन्मजात विकृतियों का इलाज, या फिर कटे हुए हाथ या पैर का इलाज, या फिर टेंडन्स या नर्व्स यानी तंत्रिका या ब्लड वेसल्स की इंजरी का जो सर्जरी होती है वो भी प्लास्टिक सर्जरी में करी जाती है। इसके अलावा कटे हुए हाथ या पैर या कोई और अंग को वापस जोड़ना, या फिर हाथी पाँव का इलाज या डायबिटिक फुट का इलाज, इन सब का इलाज प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा ही किया जाता है। लोगों के दिमाग में और एक सवाल भी आता है कि प्लास्टिक सर्जरी को प्लास्टिक सर्जरी क्यों कहा जाता है। ग्रीक में एक शब्द होता है प्लास्टिकोस, उसका मतलब होता है शेप देना, मोल्ड करना, और इसीलिए जब जो प्लास्टिक मटेरियल होता है उसको भी प्लास्टिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। प्लास्टिक सर्जरी अब केवल शेप पर ध्यान नहीं देते, हम फंक्शन को भी ध्यान देते हैं और हम बताएंगे और क्या क्या हम कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक और बहुत बड़ी गलतफहमी यह होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें कोई निशान यानी स्कार नहीं आता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग इसमें बहुत बड़ा ध्यान इसमें इसलिए रखते हैं कि निशान एक ऐसी जगह पे दें जो सामने वाले को जल्दी से ना दिखे, पर यानी यह निशान छुपा हुआ रहे, पर निशान तो दिखता ही है। और दूसरी चीज़ कि ये निशान अगर आता भी है तो प्लास्टिक सर्जन की ओपीडी में रेगुलर फॉलोअप से, उसकी अच्छे तरीके से देखभाल से, कुछ जेल या क्रीम लगाने से वो निशान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पर निशान चला जाता है या आगे ज़िंदगी में नहीं रहता है, ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। निशान के बावजूद कॉस्मेटिक सर्जरीज आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं, और इसकी एक बड़ी वजह है कि कॉस्मेटिक सर्जरीज काफ़ी सेफ़ हो गई हैं। एक सही सेंटर में जहाँ पे सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जाए वहाँ पे कॉस्मेटिक सर्जरी कराना काफ़ी सेफ़ होता है। और कॉस्मेटिक सर्जरीज आजकल सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही नहीं बल्कि आम जनता में भी काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं। और कॉस्मेटिक सर्जरीज कराने के बाद जो पेशेंट होता है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, और उसकी सोशल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सब पे, तीनों पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर सक्सेसफुली ढंग से कॉस्मेटिक सर्जरी कराई जाए। प्लास्टिक सर्जरी की चोट लगने पे या ट्रोमा में बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, जैसे कि बर्न्स में भी प्लास्टिक सर्जरी की भूमिका होती है। चेहरे के चोटों का इलाज भी प्लास्टिक सर्जन करते हैं, जिसमें केवल जख्म नहीं अगर प्लास्टिक फेस चेहरे के फ्रैक्चर्स का भी इलाज प्लास्टिक सर्जरी में किया जाता है। हाथ को चोट लगनी भी प्लास्टिक सर्जन का काम है। हाथ में चोट लगने में फ्रैक्चर हो या नस जैसे टेंडन, नर्व्स या खून की नसों का की चोट हो तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी से अच्छा किया जा सकता है। कोई भी शरीर में से कभी भी कोई भी अंग अलग हो जाता है
तो उसको फिर से जोड़ना भी प्लास्टिक सर्जरी से किया जाता है, जैसे कि उंगली, हाथ, इंद्रिय, पैर, ये अलग होने पे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस सभी जो ऐसी मान्यता होती है कि प्लास्टिक सर्जरी केवल कॉस्मेटिक सर्जरी भी काम आती है, ऐसा नहीं होता है, इमरजेंसी में भी प्लास्टिक सर्जरी का रोल है। कंजेनेटल अनोमलीज, जैसे हिंदी में जन्मजात विकृतियाँ कहते हैं अने गुजराती में जेने आपणे जन्मथी खोड़खामण कहेवाय छे, जिसमें क्लेफ्ट लिप या पैलेट, जिसमें जन्मजात होंठ में या ताड़ू में छेद होता है, वो पेशाब की नलकी में ऊपर या नीचे गलत जगह पे छेद होना, हाथों की उंगलियां वांकी चुकी या टेढ़ी होना या जुड़ी हुई होना, या माइक्रोशिया जिसमें कान का छोटा होना या न होना, ब्रेकियल प्लेक्सस पैल्सी जिसमें फोर्सेप्स डिलीवरी के कारण या किसी कारण जन्मजात बच्चे में ऊपर हाथ, ऊपर वाले हाथ का काम न करना, ये सारी चीज़ें भी प्लास्टिक सर्जरी विभाग में ही दिखाई जाती हैं और हम प्लास्टिक सर्जन ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इन सब के अलावा कैंसर के इलाज में भी प्लास्टिक सर्जन की एक अहम भूमिका होती है। प्लास्टिक सर्जरी जो है वो पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है। कैंसर के कारण जो भी अंग बीमार पड़ा होता है, जिसमें जो कैंसर ग्रस्त होता है, उसको सर्जरी करके कई बार निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी उस अंग को निकाला जाए, उसका रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण एक प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जाता है। चाहे वो मुंह का कैंसर हो, स्तन का कैंसर हो, चमड़ी का कैंसर हो, या हड्डी का कैंसर हो, या किसी भी शरीर के हिस्से का कैंसर हो, उसको निकालने के बाद जो पुनर्निर्माण का काम है वो एक प्लास्टिक सर्जन द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कैंसर की सर्जरी के बाद कई बार हाथ या पैर में सूजन आ जाती है, जिसको लिम्फिडीमा कहा जाता है। उसका भी इलाज आज के ज़माने में मुमकिन है प्लास्टिक सर्जरी की लेटेस्ट टेक्निक्स के द्वारा करे जाने पर। उसका सही टाइम पे अगर अर्ली स्टेज में इलाज किया जाए तो अच्छा रिजल्ट पॉसिबल होता है। आशा करता हूँ कि आज की हेल्थ टॉक आपको पसंद आई होगी और आपके काम में आएगी। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ क्वेरी हो, तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ आके हमसे मिलें। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके क्वेश्चंस का और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने का। मैं आशा करता हूँ कि हमने आज आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर करी होंगी और आपको प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा।